गुड मॉर्निंग एवरीवन. हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज सेबी, कस्टडियन ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन 1996. ये चैप्टर करने से पहले सबसे पहले जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है दैट इज मीनिंग जानना कस्टोडियन या कस्टडियन, जो भी प्रोनाउंसिएशन आप करना चाहें. कस्टडियन जो वर्ड आया है वो आया है कस्टडी से. कस्टडी ओरिजिनल वर्ड है, उससे कस्टोडियल या कस्टडियन या आगे वर्ड्स बने हैं. कस्टडी का मतलब क्या होता है? अगर कोई पर्सन कहता है कि मैं ये सामान मेरे पास कस्टडी में है, ये सामान मेरी कस्टडी में है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सामान आपके पास रखा है, आप उस सामान को दूसरे के बिहाफ पे अपने पास हिफाजत से रख रहे हैं, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं. तो कस्टडियन वो पर्सन होता है जो कस्टडी की सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, और जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है उसे कस्टोडियल सर्विसेज कहते हैं. तो एक जो कस्टडियन है वो कौन हो सकता है, कस्टडियन कौन होता है? कस्टडियन एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है, एक इंडिविजुअल हो सकता है जो एक्ट करता है एज अ एजेंट, और जो एक्सरसाइज करता है लीगल अथॉरिटी. लीगल अथॉरिटी मतलब आप को जो कस्टोडियन की सर्विसेज दे रहा है पर्सन, कस्टोडियल सर्विसेज जो पर्सन आपको दे रहा है वो आपसे एग्रीमेंट करेगा उस चीज के लिए, आप उसे राइट देंगे, लीगल अथॉरिटी आप उसे देंगे कि आपका जो सामान है वो अपने पास रखेगा और उसके ऊपर जो भी सर्विसेज है कस्टोडियल सर्विसेज है वो आपको देगा. तो वो लीगल अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है किस चीज़ के ऊपर, वो फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर जो किसी दूसरी कंपनी की या इंडिविजुअल की होती है. तो कस्टडियन एक पर्सन, एक इंस्टीट्यूशन होता है जो होल्ड करता है अपनी कस्टडी में एसेट्स या किसी दूसरे थिंग्स को. ये डिपॉजिटरी की तरह होता है लेकिन दोनों में डिफरेंस है. जो मेन डिफरेंस है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का. जो डिपॉजिटरी होती है उसकी लार्जर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज कम्पेयर टू कस्टडियन. और जो दूसरा डिफरेंस है दैट इज जो कस्टडियन है वो सिर्फ आपकी जो एसेट है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज हैं, उनको अपने पास कस्टडी में रखता है, जबकि जो डिपॉजिटरी होता है उसका कंट्रोल होता है ओवर द एसेट्स और लायबिलिटीज इन एडिशन टू कस्टडी. देन एज पर कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन 1996, कस्टडियन ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब है एक पर्सन जो कैरी ऑन कर रहा है या प्रपोज करता है टू कैरी ऑन द बिजनेस, किस चीज का, ऑफ प्रोवाइडिंग कस्टोडियल सर्विसेज. कस्टोडियल सर्विसेज मींस कि सेफ रख रहा है वो अपने पास आपकी सिक्योरिटीज, अपने क्लाइंट की, गोल्ड हो सकता है, गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हो सकता है जो वो एसेट जो कस्टडी में आप उसकी रख रहे हो, गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, टाइटल डीड्स हो सकती हैं किसी इंस्ट्रूमेंट्स की, टाइटल डीड्स रियल एस्टेट एसेट्स की हो सकती हैं, या और भी कोई अगर वो इंसिडेंटल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवा रहा है. नेक्स्ट है फंक्शंस क्या है कस्टोडियल सर्विसेज के. जो मेन फंक्शंस है वो क्या है, मेंटेन करना अकाउंट्स सिक्योरिटीज के, गोल्ड के, गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स या टाइटल डीड्स ऑफ रियल एस्टेट जो भी है आपका एसेट क्लाइंट की, उसके अकाउंट्स को मेंटेन करना. दूसरी चीज आती है कलेक्ट करना बेनिफिट्स या राइट्स जो एक्रीव हो रहे हैं क्लाइंट को इन रिस्पेक्ट ऑफ जो भी सिक्योरिटीज, गोल्ड, गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट या टाइटल डीड्स ऑफ रियल एस्टेट एसेट के ऊपर क्लाइंट को मिल रहे हैं चीजें, बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उनको कलेक्ट करना. देन इंफॉर्म करते रहना क्लाइंट को कि क्या एक्शन लिया गया है उसकी सिक्योरिटी के ऊपर इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटी के द्वारा, मतलब जिसने वो सिक्योरिटीज इशू की थी उसने आपकी सिक्योरिटी के ऊपर क्या एक्शन लिया है, क्या बेनिफिट्स आपको दिए हैं, क्या राइट्स आपको मिलनी है, एक्सेट्रा जैसी चीजें. देन मेंटेन करना और रिकंसाइल करना रिकॉर्ड्स सर्विसेज के, जो भी ऊपर हमने तीनों चीजें पढ़ी. देन नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज रेगुलेशंस. ये जो रेगुलेशंस है हम पढ़ रहे हैं रिगार्डिंग कस्टडियन सर्विसेज. तो जो रेगुलेशंस है उसे 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है. चैप्टर नंबर 1 इंक्लूड करता है डेफिनेशंस. चैप्टर नंबर 2 रिलेट करता है विद रजिस्ट्रेशन ऑफ कस्टडियन ऑफ सिक्योरिटीज. चैप्टर 3 डील करता है विद जर्नल ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कस्टडियन.
और चैप्टर 4 एक्सप्लेन करता है प्रोविजंस रिलेटेड टू इंस्पेक्शन एंड ऑडिट, एंड चैप्टर 5 रिलेट करता है विद प्रोसीजर फॉर एक्शन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। तो वेरियस रेगुलेशंस जो हैं हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, एक पर्सन जो प्रपोज कर रहा है टू कैरी ऑन बिजनेस एज कस्टडियन ऑफ सिक्योरिटी, जो भी पर्सन एज कस्टडियन ऑफ सिक्योरिटीज का बिजनेस करना चाहता है उसे एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी बोर्ड को। जो पर्सन ऑलरेडी कैरी ऑन कर रहा है बिजनेस कस्टोडियन का, ये रेगुलेशंस जो हैं वो आने से पहले, तो उसको विद इन 3 मंथ्स बोर्ड को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अब ये रेगुलेशंस जो है वो कब की है, 1996 की। इसका मतलब है कि 1996 की ये रेगुलेशंस आने से पहले अगर कोई कस्टडियन ऑफ सर्विस सिक्योरिटीज का बिजनेस कर रहा था तो उसे विद इन 3 मंथ्स बोर्ड को एप्लीकेशन देनी थी। जो एप्लीकेशन है वो प्रिस्क्राइब फॉर्म ए में देनी है अकम्पनीड प्रिस्क्राइब फी के साथ। देन एप्लीकेशन टू कंफर्म टू रिक्वायरमेंट सेक्शन 4, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन अगर आप देते हो या जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप एप्लीकेशन नहीं फिल करते हो तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। लेकिन रिजेक्ट करने से पहले जो एप्लीकेंट है उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी बोर्ड द्वारा कि वो अपनी जो ऑब्जेक्शन है उसको रिमूव करें। देन थर्ड है फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन एंड पर्सनल रिप्रेजेंटेशन सेक्शन 5। ये क्या कहता है कि जो बोर्ड है वो एप्लीकेंट को कह सकता है कि और फर्दर इंफॉर्मेशन या क्लैरिफिकेशन किसी भी मैटर से रिगार्डिंग जो रेलिवेंट है रिलेटेड टू द एक्टिविटीज ऑफ कस्टडियन ऑफ सिक्योरिटीज आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर करने के लिए वो प्रोवाइड करवाए। जो बोर्ड है वो एप्लीकेंट को भी कह सकता है कि वो खुद या पर्सनली या अपना उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अपीयर पर्सनली हो बोर्ड के पास। वो एप्लीकेंट को कह सकता है बोर्ड कि आप पर्सनली हमारे पास फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए प्रेजेंट होइए, आइए आप हमारे पास। देन नेक्स्ट इज योर कंसिडरेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट सेक्शन 6। जो बोर्ड है वो कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखेगा ये चीज़ देखने के लिए कि किसी भी पर्सन को कस्टडियन ऑफ सिक्योरिटीज का जो सर्टिफिकेट है वो दिया जाए या नहीं दिया जाए। पहली कंडीशन कि एप्लीकेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है या नहीं करता है, एप्लीकेंट के पास नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्पेस वॉलेट्स कंप्यूटर सिस्टम एक्सेट्रा है या नहीं है, एप्लीकेंट के पास एडिक्वेट एंड कम्पिटेंट पर्सन हैं या नहीं है जिनके पास एक्सपीरियंस कैपेसिटी या एबिलिटी है बिजनेस जो है कस्टडियन ऑफ सिक्योरिटीज का उसे मैनेज करने के लिए, एप्लीकेंट ने कंप्लीट मैनुअल सेटिंग आउट द सिस्टम और प्रोसीजर्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, एप्लीकेंट ऐसा कोई पर्सन तो नहीं है जिसे बोर्ड ने पहले रिजेक्ट किया हो, या जो एप्लीकेंट है उसका डायरेक्टर या प्रिंसिपल ऑफिस या एम्प्लॉय किसी भी तरीके के केस में लिटिगेशन में कनेक्टेड ना हो सिक्योरिटीज मार्केट से जो कनेक्टेड है। देन जो एप्लीकेंट है उसका डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफिसर या जो एम्प्लॉय है वो कभी भी किसी भी टाइम पे किसी इकोनॉमिक ऑफेंस में या मॉरल टर्पिटाइड में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। जो एप्लीकेंट है वो फिट और प्रॉपर पर्सन होना चाहिए, और जो ग्रांट आप सर्टिफिकेट करोगे उसे तो क्या वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में है या नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा रेगुलेशन है दैट इज रिगार्डिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सेक्शन 7। जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसका मतलब है नेटवर्थ 50 करोड़ रुपीस की। अगर कोई पर्सन जो पहले से कस्टडियन ऑफ सिक्योरिटीज की सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है इन रेगुलेशंस के आने से पहले, तो उसे अपनी नेटवर्थ रेज करनी होगी 50 करोड़ रुपीस तक विद इन 1 ईयर जब ये रेगुलेशंस कमेंस हुई है, और ये पीरियड एक्सटेंड हो सकता है अप टू 5 ईयर्स। देन नेक्स्ट जो हमारा रेगुलेशन है दैट इज सेक्शन 8 का प्रोसीजर एंड ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट। अगर बोर्ड सेटिस्फाइड है कि जो भी पर्टिकुलर्स एप्लीकेंट ने फर्निश किए हैं और एप्लीकेंट एलिजिबल है ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट के लिए, तो वो इंटीमेशन भेज देगी एप्लीकेंट को, और इंटीमेशन रिसीव करने के बाद जो एप्लीकेंट है स्पेसिफाइड फी बोर्ड को डिपॉजिट करवाएगा। फीस मिलने के बाद जो बोर्ड है उसे सर्टिफिकेट दे देगा फॉर्म बी में
देन अगर जो बोर्ड है वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जब आपको दे रहा है तो उसमें वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है किस तरीके की कि आप जो कस्टोडियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे वो किस किस चीज़ से रिलेटेड करवा सकते हैं, जैसे इन आप सिक्योरिटीज़ के लिए प्रोवाइड करवा सकते हैं या गोल्ड गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए क्लाइंट की, या टाइटल डीड्स ऑफ रियल एस्टेट के लिए, म्यूचुअल फंड स्कीम्स के लिए वो उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। आफ्टर 2006 एक कस्टडियन जो सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकता है किस किस चीज़ के लिए, गोल्ड गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स के लिए, ओनली आफ्टर टेकिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ बोर्ड। बोर्ड की प्रायर अप्रूवल लेने के बाद ही इस चीज़ों से रिलेटेड वो सर्विसेज प्रोवाइड, कस्टोडियल ऑफ सिक्योरिटीज की सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकता है। द नेक्स्ट इज कंडीशंस ऑफ सर्टिफिकेट सेक्शन 9। जो सर्टिफिकेट ऑफ कस्टोडियन है वो ग्रांट किया जाएगा लेकिन कुछ कंडीशंस उसकी होंगी। वो क्या कि वो कोई भी एक्टिविटीज अपनी कमेंस नहीं करेगा जब तक वो कैपिटल रिक्वायरमेंट की कंडीशंस फुलफिल नहीं करता है। जो भी प्रोविजंस हैं एक्ट के और रेगुलेशंस की वो उन्हें फॉलो करेगा, वैलिड एग्रीमेंट में एंटर करेगा अपने क्लाइंट के साथ उन्हें कस्टोडियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए, स्पेसिफाइड एनुअल फीस वो पे करेगा, कोई भी प्रीवियस इंफॉर्मेशन जो उसने सबमिट करवाई थी बोर्ड को अगर वो फॉल्स या मिसलीडिंग है या उसमें कोई इंफॉर्मेशन में चेंज है तो वो इन्फॉर्म करेगा बोर्ड को राइटिंग में, और वो कोई भी अदर एक्टिविटी कैरी ऑन नहीं करेगा फाइनेंशियल सर्विसेज के अलावा इन एडिशन टू कस्टोडियल सर्विसेज। नेक्स्ट जो आता है दैट इज पीरियड ऑफ वैलिडिटी सेक्शन 9। हर एक सर्टिफिकेट जो ग्रांट किया जाता है आफ्टर या बिफोर कमेंसमेंट ऑफ सेबी कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन सेकेंड अमेंडमेंट 2006 वो वैलिड रहेगा 3 सालों के लिए, जब भी आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट है या जो रिन्यूअल डेट है। देन रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट सेक्शन 9B। रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट के लिए जो एप्लीकेशन है जब उसका जो पीरियड है वैलिडिटी का वो एक्सपायर हो रहा है उससे एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले उसे अप्लाई करना है, और जो प्रोसेस है रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट के लिए वो सेम है जो ग्रांट ऑफ फ्रेश सर्टिफिकेट के लिए है। नेक्स्ट जो इसकी रेगुलेशंस है हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।